अगर आपके पास नया प्रिंटर है, प्रिंटर को कैसे सेटअप करना और इंक को ख़त्म हो गया इंक को कैसे रिप्लेस करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक प्रिंटर ले लिया, ये मेरे न्यू प्रिंटर है, ठीक है। अभी तक यूज़ नहीं किया, फर्स्ट मैंने ओपन किया, अनबॉक्स किया, ये था हमारा प्रिंटर। प्रिंटर इस प्रिंटर को सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन को देखना। ये था हमारे इंक, है ना। इंक एक होता है कलर, दूसरा होता है ब्लैक एंड व्हाइट। यह होता है इंक कलर, दूसरा क्या होता है इंक ब्लैक। ये दो हमारे कनेक्शन होते हैं प्रिंटर के साथ जुड़े होते, प्रिंटर के साथ आती है ना, पैकेजिंग के साथ आती है प्रिंटर की। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वो कनेक्शन को चेक करना है, देखना है कि कनेक्शन सही है या नहीं। सबसे पहले देखो, अभी तक मैंने कनेक्शन किया नहीं, यह होता है हमारे प्रिंटर और लैपटॉप की कनेक्शन, लैपटॉप और पीसी की कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगी। दूसरा होता है पावर सप्लाई, करंट की कनेक्शन होता है ना, उसको पावर सप्लाई, उसको कनेक्शन करना है। मैं यहाँ से कनेक्शन कर रहा हूँ, देखिए कनेक्शन ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये तो अभी अभी नहीं, अभी स्विच में नहीं लगाना है, अभी क्या करना है, देखिए इंक कहाँ पे आते जो कैनव, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ओपन हो जाएगी, तो हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है कलर एंड ब्लैक, दो लिखा है ना। अगर देखिए ये अंदर में ये होता है इंक की जगह है, यहाँ पे इंक लगाना होता है। नए प्रिंटर है, अभी तक नहीं लगाया, आज फर्स्ट दिन है ओपनिंग। एक लिखा है कलर, दूसरा होता है ब्लैक, ध्यान से देख लेना, कलर एंड ब्लैक। इंक में लिखा हुआ है एक होता है कलर, दूसरा होता है ब्लैक, ठीक है। यह होता है हमारा कलर, मैंने कलर को अनबॉक्स कर रहा हूँ, हो गया ख़त्म, ये मैंने कर दिया अनबॉक्स। ये यहाँ पे जो रिमूव करना है, ठीक है, यहाँ पे जो सील होता है उसको सील को रिमूव करना, कर दे। ये होता है हमारा कलर इंक, देखा है ये सही। अगर देखिए यहाँ पे कैसे करना है, ये होता है कलर, कलर किसी तरह लगाना है, यहाँ पे देखिए पोर्ट होता है ना, ये यहाँ पे जो देखा है ऐसे ध्यान से देखिए कैसे लगाना है, ये होता है पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ हो जाएगी, ये पोर्ट अंदर में होना चाहिए, ये प्रिंटर इसी तरह ध्यान से देखना है कैसे लगाना है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, टूट जाएगी। हो गया, मैंने कलर को लगा दिया और दूसरा होता है ब्लैक, ब्लैक मैंने अनबॉक्स किया। अगर तो प्रिंटर के साथ प्रिंटर और लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करना वो भी दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। अगर पहली बार में आप वीडियो देखें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा का देखिए, हेल्पफुल होगा आपका। ये भी मैंने ब्लैक को, यह पता कि ब्लैक लिखा है ना, यह भी मैंने ब्लैक लगा दिया, हो गया ब्लैक। प्रेस किया नहीं हो रहा है, नहीं हो गया। अभी देखिए मैंने ब्लैक एंड ब्लैक एंड कलर दोनों भी इंक हो गया, अब इसको बंद कर देना, ठीक है। अभी बंद हो गया, अभी क्या करना है, अभी देखिए अभी तो पावर सप्लाई की देखना, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी ना पावर सप्लाई को, यह पे लगाया, स्विच ऑन करूँगी, पावर बटन ठीक ठाक है, पावर बटन। अब सबसे पहले क्या करना है, अब एक कुछ भी जेरेक्स करना है, ये मेरे पान कार्ड ही, वो भी मैं ना जेरेक्स करूँगी, पेपर दे दिया। यहाँ पे मैंने रखा है, सबसे पहले मैं कौन सी ब्लैक नहीं कलर को प्रिंट करना, कलर प्रिंट, ये आ गए अब कलर पिन, ठीक है। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया,
दूसरा क्या करना है, कलर तो आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट करना, ब्लैक को देखना है, कलर नहीं चाहिए। इसी पेज में ने दे दिया, इसे ऐसे रखने दो, मैंने ब्लैक कर दिया, आ गया, ये भी मेरा आ गया ब्लैक, सही है, ब्लैक एंड कलर दोनों जेरेक्स हो गया। अभी क्या करना, प्रिंटर के साथ कैसे, प्रिंटर और लैपटॉप के साथ और पीसी के साथ कैसे कनेक्ट करना। सबसे पहले क्या करना है, तो पीसी में जाओ, अभी यूएसबी कनेक्शन लगा लेना है, ठीक है, नेट होना चाहिए। यहाँ पे करना है, प्रिंटर का नाम क्या है, कैनन MG25706, यह होता है कैनन इंडिया। क्लिक कीजिए, यहाँ पे अवेलेबल फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सेटअप, ये न्यू वर्सन है, सबसे न्यू वर्सन है, लेटेस्ट वर्सन 31 जुलाई 2023, ऊपर में चलेगा, देखिए बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन न्यू वर्सन को ओपन करना है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 19 MB, इसमें देखिए मेरा रेड कलर कर दिया है, ये लेटेस्ट वर्सन लास्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक होने के बाद डाउनलोड ऑप्शन आती है, यहाँ पे डाउनलोड, क्या पे चले गए, यहाँ पे मेरा डाउनलोड ऑप्शन है, हेलो डाउनलोड हो गया, नेट स्पीड ज़्यादा फास्ट है। ओपन, यहाँ पे ओपन नहीं करना है, कर सकते कोई बात नहीं, अब मैंने यहाँ पे ओपन नहीं करना, कैंसिल कर दिया। न्यू लैपटॉप, न्यू प्रिंटर है हमारा, डिस पी सी में रख क्या, डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे राइट साइड में, डाउनलोड में क्या, ये जो भी मैंने डाउनलोड किया, फास्ट डाउनलोड किया, ये भी आ गया ना 19.4। राइट क्लिक, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये आ गया हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप तो अपने आ जाएगी। ड्राइवर को सेलेक्ट किया, अगर इसी अंदर में अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने के लिए। ओके, इंस्टॉलेशन सक्सेस होना चाहिए, फिनिश और कंप्लीट, अगर प्रिंटर कनेक्ट होना है, अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो एरर आ जाएगी, प्लीज़ कनेक्ट योर प्रिंटर और कैन नॉट बी सिलेक्ट, फिनिश हो गया, प्रिंटर कनेक्टेड है, अब जो प्रिंटर प्रिंट करना है कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड।